हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार। आप देख रहे हैं इसके ग्रुप ब्लॉग चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में दिखाने वाले हैं नींबू की कलम कैसे तैयार की जाती है, यानी नींबू का पौधा किस तरीके से तैयार किया जाता है। ये देख सकते हैं, इधर नींबू का पौधा लगा हुआ है। इसमें बहुत सारे जो हैं नींबू लगे हुए हैं। तो आज की वीडियो में कवर करके दिखाएंगे सीतापुर का राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि राजकीय पौधशाला, जो कि हमारे नेपालापुर रोड पर पड़ता है। तो यहाँ पर पौधे किस तरीके से तैयार किए जाते हैं, सबसे पहले अपन को दिखाना चाहेंगे नींबू, और किस तरीके से कलम बांधते हैं वो भी दिखाएंगे। यहाँ पर पीछे देख सकते हैं, इधर बांधी जा रही कलम, और पीछे इस साइड में भी। तो अभी हम पास से दिखाएंगे किस तरीके से जो है एयर लेयरिंग की जाती है। तो नींबू के पौधे जो हैं बीज से भी तैयार कर सकते हैं, और कोई पुराना पौधा है तो उसे एयर लेयरिंग के माध्यम से भी तैयार किया जा सकता है। तो किस तरीके से एयर लेयरिंग काम करती है इसके बारे में दिखाएंगे। नींबू में एयर लेयरिंग के लिए जो है शाखा, सबसे पहले आप लोगों को एक शाखा सेलेक्ट करनी पड़ेगी। वो शाखा आपकी पुरानी होनी चाहिए, और एक इंच तक उसकी छाल को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे, काट के छाल को एक इंच तक, और उसे चाकू की सहायता से हटा देंगे अच्छी तरीके से। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, हटा रहे हैं, लगभग एक इंच तक जो है चाकू की सहायता से काट लिया गया है। और इस फेंकना मास घास आती है, समुद्र में पाई जाती है, तो ये समुद्री घास के नाम से भी जानी जाती है। तो इसको पहले पानी में भिगोया जाता है, थोड़ा सा नमी हो जाती है, नमी आ जाएगी इसमें। उसके बाद इसके ऊपर पन्नी वहीं पर रख कर स्पेग्नम मास को इस तरीके से, फिर पन्नी के सहायता से अच्छी तरीके से इसे टाइट किया जाता है, ताकि बाहर की एयर जो है और नमी जो है वहां पर बनी रहे अच्छी तरीके से। जैसे कि जो पोर्सन आपने साफ़ किया था, वहाँ पर जो है रूट यानी कि जड़ें अच्छी तरीके से ग्रो कराएंगी, और ट्रांसपेरेंट पन्नी जो होती है उसमें जड़ें दिखाई पड़ने लगती हैं। इसीलिए ट्रांसपेरेंट जो है झिल्ली का उपयोग किया जाता है। तो और रस्सी की सहायता से दोनों छोर जो हैं यानी कि कॉर्नर, उनको अच्छी तरह से बांध दिया जाता है, ताकि जो है अच्छी तरीके से टाइट रहें। और बाहर धूप अगर ज़्यादा होती है तो उसमें जो स्पेग्नम मास घास है उसमें नमी बनी रहे, और बाहर से टम्परेचर बनता है तो वाष्प बनती है इस तरीके से, तो वो बराबर उसमें नमी बनाए रखती है। इससे क्या होता है, रूट उसमें जो है जल्दी निकलती हैं, तो इसको टम्परेचर भी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से जो है दोनों तरफ से टाइट कर दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर। और ये सुतली है, सुतली जो है भीग जाती है तो अच्छी तरीके से और कस के टाइट कर लेती है। आप किसी भी धागे का उपयोग कर सकते हैं बांधने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस तरीके से टाइट कर देंगे, टाइट करने के बाद इसे 15 दिन के लिए छोड़ देंगे। 15 दिन में पौधा जो है अच्छी तरीके से ग्रो कराएगा, और यहाँ पर रूट ही रूट आ जाएंगे इस तरीके से, देख सकते हैं। पौधे में कई जगह पर इस तरीके से बांधी गई, पौधा जो एक ही है लेकिन इसमें जितनी भी शाखाएं हैं, जितना पौधा चाहे मतलब उतना तैयार कर सकते हैं उसी पौधे से। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है उसमें शाखाएं कितनी हैं, पुरानी शाखाएं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अपन को दिखाते हैं इस तरीके से। इसमें नींबू लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छा पेड़ है, इसी से वैरायटी तैयार की जा रही है। सीतापुर से अगर कोई खरीदना चाहे खरीद सकता है। आप उनको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।